नमस्कार दोस्तों, इस समय की ताजा तरीन खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट में जोरदार जिले चली, जोरदार आर्ग्यूमेंट्स हुए, सारे के सारे वकीलों ने अपनी बात रखी और हरीश सालवे हार गया। जज शिंदे ने बताया कि आपको सेशंस कोर्ट जाना है तो जाइए, वहां जाके बेल एप्लीकेशन लगानी है तो लगाइए, लेकिन आज आपने 6 बजा दिए हैं, अब कोई ऑर्डर नहीं होगा। और जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हुई उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अमित देसाई एडवोकेट ने जो लताड़बाजी की है, जो एकदम धांसू फर्स्ट क्लास, जिसको मैं कह सकता हूं, बहुत कम केसेस में कहता हूं, फर्स्ट क्लास आर्ग्यूमेंट्स किए हैं उन्होंने, ये साबित कर दिया था कि ना तो ये मामला बेल एप्लीकेशन का है, ना जो एप्लीकेशन रिट पिटीशन की गई है हेबियस कॉर्पस वो सस्टेन हो सकती है, जो कि बाकी तीनों मुजरिमों कही जा सकते हैं, मुजरिमों के वकीलों ने भी मान लिया कि नहीं हो सकती, जो उनकी एप्लीकेशन है वही गलत है। और उसके बाद शिरीष गुप्ते जो कि विक्टिम की फैमिली की तरफ से थे, उन्होंने भी ये कहा, क्या जल्दी है छोड़ने की, क्या जल्दी है इतना इनको भाव देने की अर्णब गोस्वामी को। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए और अर्णब गोस्वामी के जो वकील साहब हैं पौंडा और हरीश सालवे, इनको आज शिकस्त करारी मात मिली है। और ये रोते रहे कि हमको बेल दो बेल दो बेल दो, लेकिन जज साहब की तो मंशा साफ थी, जब सबको सुन लिया तो जो मेरे मन की बात थी वही हुआ, अर्णब गोस्वामी जेल दो जेल दो जेल दो, उसको जेल में ही रहना है। और इतना जरूर कहा है कि हाईकोर्ट ने कि अगर आप लोग सेशंस कोर्ट जाके रेगुलर बेल एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो छूट है, और हम ये कहते हैं कि सेशंस कोर्ट 4 दिन में निपटारा करे। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा कि हम कोई डिले नहीं करना चाहते, इन लोगों ने तो पहले बेल एप्लीकेशन लगाई थी और फिर वापस ले ली, और हमको कहते हैं कि हम डिले करेंगे, तो इन्हीं की गलती मानी हुई। और जितनी भी जिले आर्ग्यूमेंट्स हुए उसमें एक चीज साफ थी, हरीश सालवे को क्रिमिनल लॉ घंटा नहीं आता, नहीं आता। वो जिन तरीके से, जिन बातों को साइट कर रहे थे, जिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वो बात कर रहे थे, वो उनके फेवर में नहीं जाती। अंत में ये हुआ दोस्तों, ड्रग दो उसको मिली, जेल दो जेल दो। पूरे भारत ने आज, 140 करोड़ भारतीयों ने आज पहले ही दिवाली मना ली है कि अर्णब गोस्वामी तुम जेल में रहोगे, तुम वहीं ठीक हो, तुम्हारे लिए वही जगह ठीक है। अन्वय नायक की आत्मा को शांति मिले, न्याय की प्रक्रिया में एक बेहतरीन कदम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की जो भी अर्जी कह ले, बेल क्वाशिंग वगैरह वगैरह, उड़ा के फेंक दी है। ऑर्डर आएगा नेक्स्ट वीक, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी कि अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, और झूठ का ना चलता बोलबाला। जब अर्णब जैसे लोग, तुम्हारा हो मुंह काला।